मुश्तरी हमारे निजामी शमसी का सबसे बड़ा सियारा है, जिसका डायामीटर तकरीबन 1,40,000 किलोमीटर है। यह सियारा ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और ये वही मटेरियल्स है जो एक सूरज बनाते हैं। बेपना ग्रेविटी के हामिल इस सियारे का मास जमीन के मास से 317 गुना ज्यादा है। जमीन और मरीख की तरह इस सियारे पर चिटाने नहीं पाई जाती, बल्कि ये एक गैसी सियारा है, मतलब एक गैस जॉइंट है। अगर कोई इंसान इस सियारे पर एक दिन गुजारना चाहता है तो यहाँ इस सियारे पर एक दिन गुजारना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह सियारा अपने महवर पर इतनी तेजी के साथ घूमता है कि इसका एक दिन महज 10 घंटे का होता है। इस सियारे पर आपको बड़े बड़े जमीन के साइज जितने तूफान, तेज बिजली और बारिश नजर आ सकती है। यहाँ पर हवा की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है, तकरीबन 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस सियारे पर हवाई चलती है। यहाँ पर दिन गुजारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस सियारे का मैग्नेटोस्फीयर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हम कह सकते हैं कि जमीन से 10 गुना ज्यादा ताकतवर मैग्नेटोस्फीयर का हामिल ये सियारा है। इस सियारे का सबसे कम दर्जे हरारत -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। माहिरीन फलकियात का ख्याल है कि इस सियारे पर डायमंड्स की बारिश होती है, और ऐसा मुमकिन है क्योंकि कायनात में ऐसे बहुत सारे सियारे खोजे गए हैं जहां हीरो की बारिश होती रहती है। मुश्तरी सियारे पर एक दिन गुजारना बल्कि एक घंटा गुजारना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक घंटा गुजारने के लिए आपको वो उन तमाम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जो मुश्तरी पर मौजूद है, जो अभी मैंने बयान किए हैं। और हम जानते हैं कि हमारे लिए ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है जब तक साइंस इसका कोई हल ना निकाले, क्योंकि हमारे पास इस सियारे पर जाने के लिए और यहाँ उतरने के लिए जदीद मॉडर्न स्पेस सूट्स और स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत होगी जो इस सियारे के तमाम खतरात का सामना कर सके। अगर कभी इंसान के लिए वहाँ उतरना मुमकिन होता और कभी इंसान वहाँ उतर पाता तो इस सियारे की खूबसूरती रात के वक्त देखने लायक होती। मुश्तरी के हल्के से रिंग्स और बहुत सी चांदों का नज़ारा इंसान अपनी आंखों से देख पाता और ये नज़ारा अपने आप में लाजवाब होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली नई वीडियोज़ में आप लोगों से मुलाकात करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।